बीजेपी मिशन गुजरात में जुट गई है। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने इस दौरे पर प्रधानमंत्री पाटीदार समाज के लोगों को लुभाने की पूरी कोशिश में है। मोदी ने सूरत में पाटीदार समाज की बनाए गए मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। वहां मौजूद लोगों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। आज मोदी पाटीदार समाज के ही डायमंड कारोबारी की फैक्ट्री का उद्घाटन करेंगे। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाटीदारों को संबोधित भी करेंगे। गुजरात के सूरत में मोदी ने एयरपोर्ट से सर्किट हाउस तक रोड शो किया, जिसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। ट्रिपल तलाक पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने कहा कि इस कष्ट का हल निकालना चाहिए। मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक से बेहद कष्ट में। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज एक दिवसीय दौरे पर पटना जाएंगे। वहां राष्ट्रपति महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। पाकिस्तान की जेल में बंद भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण सुधीर जाधव की फांसी के खिलाफ पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। इंडिया पाक ज्वाइंट डिफेंस कमेटी फॉर प्रिजनर ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में जाधव की फांसी का विरोध करते हुए याचिका दायर की है। अभिनेता अनुपम खेर ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान को अवास्तविक और बेवकूफी भरा बताया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग के ट्वीट को लेकर उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा कि यह दुखद है कि लोग चर्चा में आने के लिए ऐसी टिप्पणी करते हैं। पनाग ने पत्थरबाजों से बचने के लिए एक आम आदमी का इस्तेमाल करने को लेकर सशस्त्र बल की निंदा की थी। सीएम योगी आज राष्ट्रपति पुरुष चंद्रशेखर संसद में दो टूक पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। समारोह का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित करेंगे। मैनपुरी के करहल पहुंचे एसपी संरक्षक मुलायम सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी बीएसपी और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने वाली है। एसपी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है और हम अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। मुलायम का यह बयान मायावती और अखिलेश के महागठबंधन के बयान के बाद आया। ये जानना चाह रहे हैं इस समय कांग्रेस में और बसपा में जो गठबंधन के लिए उसमें क्या कहना चाहेंगे। ये जानना चाह रहे हैं इस समय कांग्रेस में और बसपा में जो गठबंधन के लिए उसमें क्या कहना चाहेंगे। खनन और आबकारी राज्य मंत्री अर्चना पांडे ने दावा किया कि अब खनन या आबकारी विभाग काले कारनामों से बदनाम नहीं होगा। नई खनन नीति जल्द आएगी। अर्चना पांडे ने कहा कि पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति के घोटालों की जांच शुरू हो गई है। बलिया में एक भाई ने बहन की गंडासे से गला काटकर हत्या कर दी। मृतका की मां की शिकायत पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। मिर्जापुर में तेज रफ्तार डंपर पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए गंगा नदी में जा गिरा। चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने नदी से चालक के शव को बाहर निकाला। गाजियाबाद में बगैर प्रशासन की अनुमति के हनुमान जी की रैली निकालने पर पुलिस और हिंदू रक्षा दल के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पत्थरबाजी को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दल के कई लोगों को हिरासत में लिया। एटा के अलीगंज में तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौत से गुस्साए मृतक के परिजनों ने हाईवे पर जाम लगाकर हंगामा किया। फरुखाबाद के चिलसरा रोड पर पिकअप ने टेम्पो में टक्कर मार दी। सवारियों से भरा हुआ टेम्पो खड्डे में जा गिरा। टक्कर से टेम्पो में बैठे शख्स की मौत हो गई। आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। मथुरा में एक मिठाई की दुकान से दो चोरों ने मोबाइल साफ कर लिया। मालिक को इसकी भनक नहीं लगी। सीसीटीवी में ये चोरी रिकॉर्ड हो गई। बुलंदशहर के औरंगाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अंग्रेजी शराब के ठेके पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मार दी और गोली मारकर 1.5 लाख रुपए की नकदी लूटकर हवाई फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। वाराणसी में चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते पूरी स्कॉर्पियो गाड़ी जलकर राख हो गई। रामपुर में 11 अप्रैल को ही फॉलोअर की मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। भाई और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के पीछे की वजह मृतक पिता की नौकरी को बताया गया है। सहारनपुर में युवक की सरकटी लाश मिलने से पुलिस ने सनसनीखेज माहौल की जांच शुरू की। मृतक की मां और बहन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी मां का कहना है कि मानसिक रूप से बीमार मृतक हर दिन उन्हें अपनी हवस का शिकार बनाता था। गाजियाबाद में पुलिस ने 50,000 की इनामी बदमाश सुमित जाट को धर दबोचा। कविनगर पुलिस की बदमाशों के साथ रईसपुर गांव के पास जमकर मुठभेड़ हुई और इसके बाद ये कामयाबी हासिल हुई। रायबरेली में ऊंचाहार तहसील की ग्राम पंचायत गोकना में शौचालय निर्माण में बड़ा घोटाला सामने आया। यहां 340 शौचालय बनाने का लक्ष्य था। आरोपी के अधिकारी और ग्राम प्रधान ने मिलीभगत के चलते शौचालय बनाए जो किसी काम के नहीं है।